नागौर में आज सीएम अशोक गहलोत का डेगाना में दौरा रहा। राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार देवकी नंदन काका के समर्थन में जनसभा की। दिग्गज नेता ऋषपाल मिर्धा, देवकी नंदन काका ने इनका स्वागत किया। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डेगाना में दौरे पर रहे और कांग्रेस के उम्मीदवार देवकी नंदन काका के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और कांग्रेस का मिशन 25 के लिए यहाँ जन समर्थन जुटाया। सीएम अशोक गहलोत का डेगाना दौरा और यहां जनसभा को संबोधित किया। सीएम अशोक गहलोत ने उनके साथ मौजूद रहे डिप्टी सीएम सचिन पायलट और साथ ही दिग्गज नेता ऋषपाल मिर्धा। मुख्यमंत्री ने मिशन 25 को लेकर यहां जन समर्थन जुटाया और कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए जनता से अपील की। बीजेपी के लोग तो आप जानते ही हो कि वो क्या क्या बातें करते हैं। आज दुखी तो सब है, व्यापारी भी है, उद्यमी भी है, सब दुखी है, पर डरते हैं सरकार को। पता नहीं मोदी का भूत सवार है, वापस आगे तो हमारा क्या करेगा। इनकम टैक्स आ जाएगा, आपकी ईडी आ जाएगी, सीबी आ जाएगी, इधर बैठा हुआ है बड़े बड़े उद्योगपतियों के अंदर मन में धमड़े सब ले रहे हैं। गलत बात नहीं है, मन में धमड़े कर दे रहे हैं, घबराए हुए हैं, बोल नहीं पा रहे। अलग बात करते हैं, यार बात मत करो टेलीफोन पे, ट्रैक हो रहा होगा टेलीफोन, व्हाट्सएप पे बात करो, लैंडलाइन पे आ जाओ। ये कोई लोकतंत्र में माहौल बनाओ। घनश्याम तिवारी ने ठीक कहा, 50 साल तक वो आरएसएस का कार्यकर्ता था, मंत्री रहा, वो मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना था, चकनाचूर हो गया, वो अलग बात है। परंतु वो आदमी को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी छोड़ कर गए, जो इमरजेंसी में जेल में गया हो, जेल में गया हो, उसने कहा मेरे उस पर क्या बीती होगी सोच सकते हो। 50 साल का कार्यकर्ता बचपन से रोम रोम में समय हुई थी आरएसएस की भावना उसके अंदर। उसने मोदी पे आरोप लगाए, अमित शाह पे लगाए, वसुंधरा जी पे लगाए, आप लोग जो है दालिता की संपत्तियों को लूट रहे हो और मैं बर्दाश्त नहीं।